मैं श्री जी की हूं, ये हो गया अनन्य शरणागति। अब हर समय श्री जी का स्मरण करने का अभ्यास जो है ना, वो दूसरी बात हो गई, वो दूसरी दूसरे नंबर में आएगी। लेकिन पहले नंबर की बात है, मैं भजन करूं या ना करूं, मेरे जीवन का एकमात्र आश्रय श्री जी हैं। तो कुछ दिन बाद आप देखोगे कि भजन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक भजन की वृत्ति आ जाएगी। अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई बात केवल एक बात से बनेगी, मैं श्री जी की हूं। इसमें श्री जी भी नहीं कुछ मिलावट कर सकती, श्री जी भी हटाना चाहे तो नहीं हट सकती। मैं श्री जी की हूं, बस श्री जी से भी कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी श्री जी है, श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। ये अंदर से बात आप बैठा लीजिए, अंदर से। भजन का निरंतर होना ना होना ये अभ्यास भजन करने का है, लेकिन ये होने का है, होने में करने का कोई भी प्रवेश नहीं है, समझना। हम कुछ करके श्री जी के बनेंगे नहीं, श्री जी के बन के कुछ करेंगे वो तो चलेगा, किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप श्री जी मेरी भूल हो रही। श्री जी के हैं इसलिए हर क्रिया उन्हीं की प्रसन्नता के लिए होगी, ये बात तो चलेगी। तो ये बात थोड़ा समझना अंदर से, किसी अन्य देवी देवता, अन्य उपासना, अन्य भावनाएं, अन्य पद्धति, अन्य ये हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लेकिन श्री जी के हैं, विजय है विजय, इसमें कोई परास्त नहीं कर सकता। पर हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि हम काम क्रोध सबका त्याग करके फिर श्री जी के होंगे, तो बहुत लंबी यात्रा है। और आज ही अभी अभी प्राण निकल जाए, अभी आपको श्री जी मिल जाएंगे कि मैं श्री जी की हूं, ये अंदर बात बैठ गई। और हम अपने श्री जी के शरणागतों के अंदर यही ठास करके भरना चाहते हैं कि तेरा भजन हो ना हो, तो जितेंद्रिय हो ना हो, मेरी जितेंद्रियता और निरंतर भजन की तरफ वृत्ति बाद की है, दूसरे नंबर की। पहली वृत्ति हमारे माई श्यामा जी को राज, एक ठसक भर जाए कि मैं श्री जी का हूं, बस नींव मजबूत हो गई ना, तो ऊपर की बिल्डिंग कमजोर हो ही नहीं सकती, नींव पोली नहीं होनी चाहिए, ये दृढ़ होना चाहिए। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, नरक हो या परम पद मुझे कोई परवाह नहीं, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, अंजन की तरह तुम मेरे नेत्रों में रमी रहो लाडली, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो हमारी आंतरिक जो मांग है, हम अपने हृदय की बात बता रहे हैं कि हमारे समीप जो भी आए, जो हमारी श्री जी के शरणागत हो, तुमसे कुछ बने ना बने वो आगे की बात है, लेकिन ये बात तुम्हारे अंदर आज अभी इसी क्षण बैठ जानी चाहिए कि चाहे घोर पग पे पग हमें दुखों का जाल बिछा दे, लेकिन लाडली के सिवा मैं किसी को पुकार नहीं सकता, लाडली जी के सिवा मैं किसी को अपना मान नहीं सकता। लाडली हाँ मांगेंगे तो लाडली जी से ही मांग, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं निष्काम कह दूं कि मेरे को लाडली जी से भी नहीं चाहिए, पर मांगूंगा तो लाडली जी से, देखूंगा तो लाडली जी की तरफ, पुकारूंगा तो लाडली जी को, आह भर के कहूंगा तो मतलब एक पूरा अनन्य भाव, बस इतने में हमारा सब विजय हो जाएगा।